उसने जैसे ही मेरी उंगलियों को सहलाते हुए मेरी हथेलियों को छुआ तो लगा जैसे उंगलियों के बीच ही दूब उग आई है, एकदम नर्म और कोमल, बिल्कुल उसके प्यार की तरह उसमें भीगी हुई। मैं महसूस कर पा रही थी उस मधुरता को जिसे मैं सचमुच अपने भीतर उतारना चाहती थी। मैंने उसके स्पर्श को अपने से बांध लिया। मेरे मन की नर्म दूब पर हौले हौले पैर रख दिए थे उसने। मेरा नाम आलोचना है। कार पार्किंग में खड़ी कर मैं लिफ्ट की ओर बढ़ी। मेरा ऑफिस 5वीं मंजिल पर है। कुछ नजरों ने मुझे बिल्डिंग में प्रवेश करते समय देखा तो कुछ ने लिफ्ट में ठंडी आहें भरी। जानती हूँ मेरे ऑफिस में भी कुछ आंखें मुझे छुप छुप कर देखती हैं। आदत हो गई है अब मुझे। बचपन से ही सुनते आई हूँ कि ईश्वर ने मुझे गजब की सुंदरता दी है और इसलिए मुझे देखने का लोभ पुरुषों के मन में जागता है और फिर मुझे पाने की चाह उनमें पैदा होती है। लेकिन ये नजरें सिर्फ मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए नहीं उठती, मुझे केवल देखती ही नहीं बल्कि मेरे जिस्म को चीर कर रखने को तड़पती रहती हैं। कभी मम्मी मेरी चिढ़ देख हंसकर कह देती हैं, बुर्का पहन कर चली जाया कर, ईश्वर ने तुझे रूप दिया है उसका आभार मान, क्यों करती रहती है हमेशा। कभी मैं भी मजाक में कह देती, अपनी खूबसूरती मुझे भी दे दी आपने, आपको भी तो ये सब झेलना पड़ा होगा। सहा नहीं, एंजॉय किया। बस खुद को बचा कर रखना चाहिए। किसी को आंखों को न तो देखने से रोक सकते हैं, न उनके चेहरे को घुमा सकते हैं, माँ ने हमेशा की तरह अपने बिंदास अंदाज में कहा। पता नहीं क्यों मैं मम्मी की तरह मस्त और बिंदास नहीं रह पाती। तूने खूबसूरती मेरी ली पर गंभीरता पापा से ले ली। मैं तो कहूंगी उनसे भी ज्यादा मास्टर है गंभीर बने रहने में। क्या रखा है हमेशा संजीदा बने रहने में। जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, मुझसे कुछ सीख ले। मैं मम्मी की तरह बनना चाहती हूँ पर न जाने क्यों घर से बाहर निकलते ही अपने आप ही एक कठोर परेशानी मुझ पर पसर जाती है। कोशिश करती हूँ सामान्य बने रहने की। पहले हालांकि बहुत कठिनाई होती थी कि आखिर एक लड़की क्यों खुद को कहीं भी महफूज नहीं रख पाती, क्यों हर समय उसके रूप रंग कद काठी और कपड़ों से उसे आंका जाता है। स्कूल कॉलेज में लड़कों के फिक्रें सुनती हम बड़ी होती हैं, फिर जहां जहां से गुजरती हैं कमेंट उछाले जाते हैं। खैर अब उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। मैं अपने में ही सिमटी रहने लगी हूँ, कम बोलती हूँ, काम से काम रखती हूँ और पुरुषों से दूरी बना कर रखती हूँ। वैसे अगर इन पुरुषों की उपेक्षा करो तो यह और ज्यादा आपके जिस्म के हर कटाव का नाप तोल करने लगते हैं। आहत जो होता है इनका ईगो। ऑफिस में सब जानते हैं कि मैं बहुत गंभीर किस्म की लड़की हूँ और फालतू बातें या गॉसिप करने में यकीन नहीं करती, इसलिए यहाँ मैं निश्चिंतता से काम कर पाती हूँ। सिर्फ काम पर फोकस होने के कारण प्रमोशन भी काफी जल्दी हो गया है। हालांकि मुझे देख फुसफुसाहटें जरूर होने लगती हैं। जिस दिन प्यार में पड़ेगी न इसके चेहरे पर भी कोमल पंखुड़ियों का रंग दिखने लगेगा, इसके होंठों पर भी मुस्कान थिरकने को मचल उठेगी। अरे यार इसे प्यार कैसे होगा, ये तो पुरुषों को पसंद नहीं करती, कहीं लेस्बियन तो नहीं। फिर एक ठहाका गूंजता और मेरे वहां से गुजरते ही चुप्पी छा जाती। क्यों हमेशा टारगेट बने रहना चाहती है। इन भंवरों के सामने थोड़ा गुनगुन कर लिया कर, तब सब शांत होकर दुबक कर बैठ जाएंगे। सुमन अक्सर टोकती है मुझे, मेरे साथ ही काम करती है। एक दूसरे के साथ लंच करना शुरू किया था तो एक रिश्ता सा बन गया है। दोस्ती तो नहीं कह सकती पर हाँ वो मुझसे कर लेती है बातें, शायद मैंने ही उसे छूट दी है। देख सुमन, जिसे जो बोलना है बोले। ये समझते हैं कि मुझे पुरुष पसंद नहीं, पर ऐसा नहीं है। बस कोई ऐसा जिंदगी में नहीं आया जिसे देख मन के तार झनकृत हो जाएं। जब शिव तांडव कर रहे थे तो पार्वती ने इसी राग को सुनाकर उन्हें शांत किया था। मैं भी उसी मधुरता की चाह रखती हूँ जिसे पाकर मैं अपनी सुध बुध खो दूं।
इस विश्वास के साथ कि मैं उसके साथ सुरक्षित हूँ, जो मेरे शरीर को अपनी जकड़न में बांधने के बजाय मेरी रूह में संगीत लहरिया उतार दे। सपने मीठे लगते हैं वाणी, पर हकीकत खुदरी होती है। पुरुष की नजर स्त्री के शरीर को ही टटोलती है, इसलिए ऐसा तो कोई मिलने से रहा। कोई बैरागी अगर तेरी सुध बुध खो दे तो बात अलग है। सुमन सही है या गलत मैं नहीं जानती, पर दिल कहता है कोई तो जरूर होगा जो मेरे मन की नर्म दूप पर हौले हौले पैर रखता आएगा और उस पर प्यार की ओस बिखेर देगा। भीगी हुई ओस से सराबोर होना होगा। आपके बारे में बहुत सुना है। आई रियली मिस यू। एक लड़का ऑफिस से आया, वह लड़का सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जानते ही कितना हो मेरे बारे में, पहली बार मिल रहे हो और ठीक से परिचय तक नहीं है, फिर भी इस तरह की बातें, ज्यादा स्मार्टनेस चल नहीं पाती मिस्टर रोहन। मेरे स्वर से झल्लाहट साफ झलक रही थी। सॉरी, पर आपके काम के बारे में सुना है, बस उसी की तारीफ कर रहा था। उसकी सकपका हट में एक मासूमियत थी, साफ लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ काम ऐसा फंसा कि उसे लगातार कई दिनों तक हेड ऑफिस आना पड़ा। उसकी नजरों में मुझे कभी वह लालसा नहीं दिखी जो अक्सर अन्य पुरुषों में दिखती है। कुछ अलग था वह राग माल का। उसकी लहरियां मेरे मन को तरंगित करने लगी थी। इच्छा होती कि वह सामने बैठा रहे। कई बार लगता कि काश ये भी मेरी खूबसूरती की तारीफ करे। क्या सचमुच ये बैरागी था जिसकी उपस्थिति में मैं अपनी सुध बुध खोने लगती? प्यार का राग छेड़ दिया था उसने मेरे भीतर और मैं उसकी धुन पर थिरक रही थी। आखिर हो ही गया तुझे प्यार। ऑफिस में सुबुगाहट है कि तू बदल रही है। तेरे चेहरे पर छाए रहने वाली चट्टानी गंभीरता बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघल रही है। इश्क की तपिश तुझे छूने लगी है। जानती है, तेरे चेहरे का नूर छलकते जाम जैसा दिखता है। नशा सुरूर बनकर तैरने लगा है तेरी आंखों में। दिखता है उनमें रोहन का अक्स। मानो उस दिन शायरी की पूरी किताब ही खोलकर रख दी थी सुमन ने मेरे आगे। मन कहता एक बार महसूस करे रोहन को। उसके स्पर्श की चाह मुझे बेचैन कर रही थी। आज शाम घूमने चल सकते हो, पूछी बैठी मैं उससे। हम पार्क के एक बेंच पर बैठे थे। हरियाली को अपने आसपास जीते हुए मैं उसके तिलिस्म में बंधी चुप थी। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ, उसने पूछा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। मना कर ही नहीं पाए। उसका देखना ही काफी था मुझे पिघलाने के लिए। प्यार, मोहब्बत, इश्क, क्या नाम दूं इसे जो मेरी रूह से आकर लिपट गया है, वैसे ही जैसे पेड़ के तने से मुलायम टहनियां जाकर लिपट जाती हैं, वैसे ही जैसे हवा फूलों को छू उनसे अटखेलियां कर उन्हें झुकने को मजबूर कर देती हैं, वैसे ही जैसे जुगनू रात को रोशन कर देते हैं, वैसे ही जैसे प्यार हौले हौले से मन पर थपकी देता हुआ जिस्म के रेशे रेशे में समा जाता है। मुझे उस पल राग मालकाउन सुनाई दे रहा था। उसने जैसे ही मेरी उंगलियों को सहलाते हुए मेरी हथेलियों को छुआ तो लगा जैसे उंगलियों के बीच ही दूब उग आई है, एकदम नर्म और कोमल, बिल्कुल उसके प्यार की तरह उसमें भीगी हुई। मैं महसूस कर पा रही थी उस मधुरता को जिसे मैं सचमुच अपने भीतर उतारना चाहती थी। मैंने उसके स्पर्श को अपने से बांध लिया। मेरे मन की नर्म दूब पर हौले हौले पैर रख दिए थे उसने। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह छोटी सी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। स्टोरी सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।